नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। पत्रिकायन में प्रकाशित हुए अतुल कनक, जो एक जाने माने साहित्यकार और लेखक हैं, के लेख की चर्चा आज हम करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ क्षेत्र के कवि भीम भोई की कविता की पंक्ति मो जीवन पछे नर के पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेऊ, अर्थात अपने जीवन के हित अहित से जगत के कल्याण के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण होता है, को उद्धृत किया। यह पहला अवसर नहीं है जब किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति ने किसी कवि को उद्धृत किया हो। विभिन्न अवसरों पर ऐसा होता आया है। दरअसल कवि युग चेतना का वाहक होता है और उसकी कविता की पंक्तियां न केवल अपने समय की आवश्यकताओं को रेखांकित करती है बल्कि अपने समय को दिशाबोध भी करती है। इसलिए तो भारतीय भाषाओं में कवि का एक पर्याय ऋषि भी माना गया है। भारतीय परंपराओं में ऋषि ऐसे सिद्ध पुरुष को माना जाता है जिसके पास काल की परतों के भी पार देखने की क्षमता होती है और जो लोक कल्याण के लिए आत्म सुख का त्याग करने में भी नहीं हिचकिचाता। महर्षि दधीचि का प्रसंग इस संदर्भ में विशिष्ट है। जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ और कहा गया कि देवता यदि दधीचि की हड्डियों से बने हथियार का उपयोग करें तो उनको विजय मिल सकती है। जब महर्षि दधीचि को यह बात पता चली तो उन्होंने सहर्ष अपनी देह का दान देवताओं के कल्याण के लिए कर दिया। कवि भी लोक के सुखों की चेतना जगाने के लिए अपने सुखों का बलिदान करने में नहीं हिचकिचाते। कवि की लय और कविता की विषय वस्तु श्रोता के मनोमस्तिष्क पर सामान्य संवादों की तुलना में अधिक प्रभाव डालती है। कवि की चेतना की सकारात्मकता कविता को सभी के लिए ग्राह्य बना देती है। इसलिए प्राचीन दरबारों में राज कवि रखने की परंपरा थी। ये कवि सामान्य दिनों में राजा के विवेक को जागृत रखने का प्रयत्न रखते थे तो युद्ध के दिनों में अपने सैनिकों में उत्साह का संचार किया करते थे। कविता ने राजनीति को सत्य, स्वाभिमान और सुचिता के निर्वहन के लिए हमेशा प्रेरित किया है। इस संबंध में एक मशहूर प्रसंग है। जब एक बार जवाहरलाल नेहरू तिरंगा फहराने के लिए लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अचानक उनका पांव फिसला तो उनके पीछे चल रहे कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें सहारा देकर गिरने से बचा लिया। इस पर नेहरू ने जब धन्यवाद दिया तो दिनकर ने हंसकर कहा था, राजनीति जब जब फिसलेगी साहित्य उसे इसी तरह गिरने से बचा लेगा। यह महत्वपूर्ण है कि आजाद भारत में भी रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, बाल कवि बैरागी, हरिवंश राय बच्चन जैसे कवियों ने संसद में बैठकर जनगण मन की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। अनेक काव्य पंक्तियों ने समय समय पर अपने युग बोध को अभिव्यक्त किया है। दिनकर की पंक्तियां सिंहासन खाली करो की जनता आती है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए या सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कई जन आंदोलनों की प्रेरणा बिंदु बनी है। कविता लुभाती है क्योंकि उसमें जीवन के प्रति एक स्वाभाविक लय होती है। यह लय व्यष्टि को समष्टि से और लघु को विराट से जोड़ती है। जब राजनीति में सक्रिय लोगों को ही लगने लगा हो कि हमारे दौर की राजनीति में सेवा भाव की अपेक्षा सत्ता के प्रति मोह अधिक मुकर हो गया है, तब राजनीति और कविता के बीच के सकारात्मक रिश्ते का इतिहास लोकतंत्र को एक नया विश्वास दिलाता प्रतीत होता है। धन्यवाद। पत्रिकायन में प्रकाशित हुए ऐसे ही ज्ञानवर्धक लेख सुनने के लिए सुनते रहिए पत्रिका पॉडकास्ट।